मैंने डबल एमबीए किया है यूनिवर्सिटी से, पोदार से एमबीए किया है और बना रहा हूँ खाना, फैमिली मैनेजमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। अरे हाथ छोड़े, ऐसे खाते हैं ये। दीदी रोटी A1। यो यो यो, क्या हाल है? ऐसा है, जयपुर में हूँ, आप लोगों को पता ही है, जिस जगह पे आया हूँ ना, पहले ही बता दूँ, वीडियो बना चुका हूँ, कमेंट मत बोलना बार बार क्यों बना रहे हो, बट हर बार कुछ नहीं होता वीडियो में। सो बेसिकली क्या, मैं हूँ मैजिक माइल पे, यहाँ मदन जी हैं जो 65 साल के हैं और इनका तजुर्बा और इनकी रेसिपीज़ कमेंडेबल जॉब। अब पता क्या सीन है, मैं जयपुर आया, नहीं पता चल गया कि कॉल में शोएब हमने वीडियो नहीं साथ बनाया, तो ये तो कुछ गलत ही है, विच मेक सेंस इज वेल बिकॉज मेरा इनका प्यार बड़ा बन गया। अब कह रहे हैं मैंने आपको ना मटन कोरमा की रेसिपी दिखानी है, रिवील करनी है, जिसमें ना यू कैन ट्राई एंड रेप्लीकेट दिस एट होम। एंड ये वो इंसान है जो सालों साल से कुकिंग कर रहे हैं और किसी की रेसिपी पता चलना और अगर आप पुल कर गए तो भाई वाह। अब मटन कोरमा बनाएंगे, जब मैं आया था ना, आई सॉ ऑल दी स्पाइसेस लेड आउट, दही वही रखी हुई थी, हांडियाँ वांडी रख रहे थे, कोयले की आँच बनाएंगे बढ़िया तरीके से। इनका जो मेन USP है ना वो है ये, पीछे देखो मेरे, दिख रहा है, ये लकड़ियाँ वकड़ियाँ पड़ी, चूल्हे की तवा रोटियाँ बनाते हैं, तवा मतलब ऊपर तवा बना हुआ है मिट्टी का, रोटियाँ वोटियाँ बनाते हैं, कमाल, रोटी पे बोटी ऐसा कुछ सीन है। किचन गया तो मैंने हांडियाँ देखी, जहाँ जंगली मांस, आपका लाल मांस, चिकन स्टू, चिकन कोरमा सब तैयार था कढ़ाई में, देखेंगे वो भी ऑर्डर करना है, देखना वीडियो कहीं तक बन रहा ना। दो बातें होंगी, एक आप रेसिपी सीखोगे, दूसरा पानी आएगा, यहाँ के खाओगे तो बेस्ट है, फिर अगर तक बन रहा पानी आएगा, चला है। पहले तो ये देखो, नमस्कार जी, नमस्कार, ठीक है, नमस्ते जी, दिखा दो हाथ तो, दिखा दो नमस्ते करते हुए, थैंक यू थैंक यू, आवाज़ नहीं आ रही है ना माइक में, रोटी डाली हुई है जी अंदर, ये देख रहे हो, अरे सो गाइस, ये ऊपर तवा होता है और नीचे होता है काम, ये देखो कौन कौन सी रोटी होती है दीदी, आप बोलेंगे बेजेड मोटा गया चपाती, अरे वाह जी वाह, देख रहे हो किस तरह लगा रखा है सेटअप। एनीवे आता हूँ जी, थोड़ी देर मिलता हूँ। नमस्कार जी, क्या हाल है? अरे वाह, ये इनका मैं बढ़िया जी बढ़िया, अंदर जा रहा हूँ रेसिपी दिखाने, कैसे सीटिंग एरिया सो ये ना पीछे प्रॉपर सेटअप लगाते हैं, ये देख रहे हो जी, लिखा है गेस्ट नो एंट्री, हम तो घर वाले हैं। हाँ जी आ रहा हूँ आपके पास ही आ रहा हूँ जी, राम राम, जय श्री राम, नमस्कार, क्या हाल है? नमस्कार सर, ठीक ठाक हो? फर्स्ट क्लास, ये गुड लुकिंग मैन है, 65 इयर्स ओल्ड एंड लुक एट दिस, यार आज भी काम धंधा प्रॉपर तरीके से, ये हमारी पेशकश है, पूरा लेआउट लगा रखा है, दिल खुश कर देते हो मदन जी आप। अरे सर आपके लिए सब कुछ तैयार है। अरे वाह, 3 किलो बना रहे हैं मटन कोरमा? बिल्कुल बिल्कुल, जीरो से बनाएंगे कोयले की आंच में, बिल्कुल ठीक है, स्टार्ट करें जी, ये हम कर रहे हैं शुरुआत देसी घी से। कितना देसी घी जाएगा जी इसके अंदर? जाएगा 3 किलो में 600 ग्राम। अच्छा मटन कोरमा पूरा देसी घी में तैयार होता है जी? ये राजस्थानी स्टाइल मटन कोरमा आपका वर्जन है? ये है नहीं, नहीं मुगले यही है। अच्छा राजस्थानी है, राजस्थान के मुगली बनाते थे। ये हम डालने जा रहे हैं इसमें जीरा, इसमें भी एक इसका घी कितना गर्म हुआ देखना पड़ता है, ब्राउन करना पड़ता है जीरे को, अगर हम इसको ज़्यादा गर्म में डाल देंगे तो ब्लैक हो जाएगा गर्म मसाला। और ये डालने जा रहे हैं बाकी के गर्म मसाले, क्या क्या, एक बार हल्का सा दिखा दो, तेज पत्ता, दालचीनी, डोडा, जावत्री या आपकी हरी इलायची, एक काली मिर्च, लौंग। मदन जी आज कोई शेरो शायरी नहीं? शेरो शायरी अब आप आए हो, अब कोई सुनाएंगे आपको? सोच लो। यार शिकंजी नहीं आई अब तक, शिकंजी रेडी हो रही है, तो क्रंची बन रही है ना आपकी। अच्छा क्रंची को अलग तरीका होता बनाने का। अच्छा स्पेशल हो क्योंकि आप खुद ही स्पेशल हो। ये इसमें डाल रहे हैं हम थोड़ा सा साबुत लाल मिर्च, ये हम इसलिए डाल रहे हैं कि हमारे कोरमे का और लाल मांस का डिफरेंट नज़र आए। इसके अंदर ये आपके लाल मिर्च डाल दिए, थोड़ा सा मैं इसमें लहसुन का भी यूज़ करूँगा, हल्का सा मोटा लहसुन। अब आप सबसे पहले इसमें लहसुन भूनेंगे, ब्राउन करेंगे लहसुन को, ये लहसुन का पेस्ट, मोटा मोटा एक कटोरी। थैंक यू मदन जी, लीजिए सर। मज़ा आ गया, ठंडी ये पिया करो डेली, आदमी का मन शांत रहता है, अच्छी बात है। मीठी नहीं पीता मैं। अच्छा मीठी नहीं लेते, सिर्फ नींबू। कमज़ोर हो गया? हाँ मेरा 13 किलो वजन कम हो गया, बहुत कमज़ोर लग रहे हो। मैंने खान पान बिल्कुल परहेज कर लिया। और शाम वाले काम में? शाम में परहेज बंद है अभी।
बंद करी हुई है? और बिल्कुल घर पे अभी बड़े स्टिक नहीं चल रही है। और बड़ी दिक्कत हो रही होगी? नहीं नहीं, अपन को एडिक्ट तो है नहीं, एडिक्ट तो कोई भी नहीं है। ये 5 किलो 3 किलो सॉरी 3 किलो 3 किलो मीट। सब इसे देसी घी में भुनोगे अच्छे से? हाँ। पीस के साइज देख रहे हो मटन के, रंगत है। आई लाइक द फैट विच इज टक टू द पीस, जरूरी है, रेंडर होगा, फ्लेवर्स जाएंगे और असली मज़ा फैट खाने का। जो लोग डिसएग्री करते हैं सॉरी, बट थोड़ा चर्बी के साथ खाया करो, मज़ा आएगा, मटन में स्वाद आएगा। क्या डाल रहे जी? नमक। स्वाद अनुसार? स्वाद अनुसार नहीं होता नमक। स्वाद किसी का क्या होता है, किसी का क्या होता है, ये होता है क्वांटिटी के हिसाब से। अच्छा जी, चलो आज नई बात सीखी। कोरमे में आप आँख मीच के 17 ग्राम नमक डाल दो, कभी ज़्यादा कम नहीं होगा क्योंकि वो ठीक होता है। लाल मांस में 20 ग्राम डाल दो, 2 चम्मच लो स्पून हिला के डाल दो आप। हल्दी? हल्दी तो कह रहे बड़ी अच्छी होती है, स्पाइसेस तो जयपुर के बड़े खास हैं। हल्दी हर तरह से होती है, एंटीबायोटिक होती है। रंग देखो हल्दी का यार, पीला हो गया। सो गाइस, जिनको नहीं पता, जयपुर की टर्मरिक बहुत फेमस है, इनफैक्ट धनिया पाउडर भी कहते हैं। अब जाएगी, हम डाल रहे हैं दही। जो कोरमे की जान तो दही होती है जी, इसके बिना तो पूरा बन ही नहीं सकता। पता जी कितने सालों से कर रहे हो कुकिंग? वैसे मैंने पूछा था, फिर याद था। अरे मेरे को तो बचपन से कर रहा हूँ सर। हाँ, आई थिंक आधा जयपुर तो आपको जानता है। हाँ, ये होटल खोलने के बाद जैसे जान गया, वैसे तो कौन जानता था मुझे। नहीं बट आपके हाथों में टैलेंट भी तो है भरपूर। जयपुर में पैदा हुए, जयपुर में पढ़े, मैंने डबल एम ए किया यूनिवर्सिटी से, पोदार से MBA किया है और बना रहा हूँ खाना, फिर भी मैनेजमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। एक किचन तो आपकी मुझे बड़ी अच्छी साफ सुथरी लगती है। किचन हमेशा ऐसी मिलेगी आपको, कभी अचानक रुकी है, अचानक भी आएंगे ऐसी मिलेगी। उस्ताद हमारे बड़े कड़क है। थोड़ी देर के लिए इसको ढक देते हैं, इससे दही में पक जाए मटन और दही भी पक जाए। मदन जी, बटर चिकन की तैयारी होने, टमाटर जो है? हाँ, बटर चिकन और बटर पनीर। अच्छा, दोनों की इसी ग्रेवी बना के रख लेते हैं हम। अच्छा, फ्रीजिंग रहता है और फिर इसको निकाल के गर्म करके ऑर्डर के हिसाब से तैयार कर देते हैं, बटर वगैरह डाल के, क्रीम डाल के। अच्छा, और तंदूरी चिकन होता है इसमें। हाफ डन प्याज डाल रहा हूँ, उससे पहले इनको फ्राई कर लिया था हाफ डन। अच्छा, और हाफ डन इसलिए करते हैं कि इसमें पकेगा और ज़्यादा जो ब्राउन प्याज होता है ना अपन कर लेते हैं तो वो पेट के लिए नुकसानदायक होता है। सो बेसिकली आपने भुने हुए प्याज को हाफ डन भुना है इसको। कितना प्याज होगा इसमें? ये करीब है, वो मैं 200 ग्राम लेके चलता हूँ 1 किलो, तो 600 ग्राम प्याज है। पता चलिए जब तक मीट तैयार हो रहा है तब तक आप किचन तो दिखा दो। बिल्कुल, चलिए। और थोड़ा कपड़े से पकड़ के गोपाल, थोड़ा घी कम कर देना। हाँ जी, यहाँ अच्छे लोग। ये क्या जी? ये लाल मांस। लाल मांस, शक्ल देख रहे हो गाइस। हाय हाय, आगे चलते रहो भाई। वाह, ये जंगली मांस। जंगली मांस, एक पीस निकाल। अरे वाह, ठीक आगे चलो, कोई नहीं। और बताओ। ये कोरमा। कोरमा मटन। वाह जी वाह। उस्ताद जी, राम राम। आया मिलने आपसे। और क्या जी? ये स्टू है हमारा। स्टू, ये देखो जी, चिकन स्टू। जिसको वाइट ग्रेवी का शौक है ये देख रहे। कीमा कलेजी तो दिखा दो। कीमा कलेजी भी बन के रेडी है। ये उस्ताद जी ने तैयार किया? हाँ। वेरी गुड जी, लुकिंग वेरी नाइस, वेरी हैप्पी जी। कीमा कलेजी बिल्कुल फ्रेश। कीमा कलेजी गुड। ये ऑर्डर का है, गरम करके दे दें। मटन कोरमा? हाँ, चिकन कोरमा। ये चिकन करी, ठीक है जी। गाइस किचन देख लो, दाना आ चुका है कोरमे का और अब हम इसमें जा रहे हैं मिर्ची डालने। कौन सी मिर्ची होती है सर ये? ये नॉर्मल मिर्ची है। नहीं तीखी है? नहीं नहीं, ये लाइट होती है, बिल्कुल कोरमे में बिल्कुल लाइट। श्री राम मसाला जैसे हम 40 साल से घर के लिए भी ले रहे हैं और हमारा एक राम जो वेज भोजनालय है वहाँ भी यही मसाला काम आता है। 40 साल से तो मैं ले रहा हूँ इससे, लगातार इसी का लेता हूँ। श्री राम की मिर्ची है, कोरमे के लिए परफेक्ट है। गैस एक बार देखो शक्ल, वो मिर्च डालने के बाद ना क्या रंग आया इसका, रंग और रूप। एक शेर नहीं सुनाया मदन जी आपने आज? हाँ सर, शेर बन नहीं रहे मुझसे। तबीयत ढीली है ना आपकी? हाँ, मैं सुबह खाना बनाया पूरा, देख लो आप, जो आपको सब दिखाया ना अभी वो मैंने बनाया है। 500 लोगों की रोटी की आपने?
10:30 बजे से लगा था, देख लो आप आए जब रेस्ट कर रहा था, 1 बजे फ्री हुआ था। चलो और फिर अब ये बना रहा हूँ। शाम को तो बैठोगे? शाम को मैं बैठता नहीं हूँ, खाना बनाऊंगा बस। डन जी, आपके साथ बैठेंगे। डन। डाल रहे हैं इसमें अदरक। अच्छा अदरक बची है। रंगत देख रहे हो द कलर इटसेल्फ यार, यहाँ की ना स्पाइसेस में कोई बात है कि स्वाद तो है ही, शक्ल भी बड़ी प्यारी आती है। मदन जी को कभी अपने कांटेक्ट करना हो ना, इनको रिक्वेस्ट करना, आपके घर में 200, 400, 500, 100, 150 जितने 50-60 लोग हैं, कभी मन हो ना घर में ऐसे सेटअप का जहाँ ये खुद अपने हाथों से बनाए। मदन जी कर दो, बिल्कुल बिल्कुल और कर देंगे सर। सोचो आपके घर में ऐसा सेटअप लगा, आई स्वर मैन। ये थोड़ा खोपरे का बुरा था, ये काम में लेंगे इसमें। अच्छा जी, ये तो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। हल्का सा धनिया की मात्रा भी कम ही करता हूँ मैं। कौन सी? धनिया। धनिया पाउडर। अब ये तैयार हो गए सारे इंग्रेडिएंट डाल के हैं इसमें? बिल्कुल ओके, खाली बस मसाला डालेंगे, एक गरम मसाला। अच्छा ठीक है, उसके अलावा डालना। ये इसकी लास्ट स्टेज आ गई, ये बन गया है ये लगभग। गरम मसाला डालोगे ये होगा? अब ये बॉडी बॉडी क्या अपने आप छोड़ देती है हड्डी। अच्छा, ये आप देखो साइड से हड्डी छोड़ रही है ना, इसका मतलब ये लगभग मटन आपका तैयार है। ये बॉडी थोड़ा जल्दी बनती है, बस ये गरम मसाला डाल के बंद कर रहा हूँ मैं इसको। गरम मसाला मुझे एक पीस निकाल के इडली दिखा दो। ये होता है जी मटन कोरमा मदन सिंह जी के हाथ का, कम से कम 45 साल से कुक कर रहे हैं और ये रिजल्ट है जी। हाँ जी, क्या उम्मीद की थी खाने बनने वक्त हम ऐसी थाल लगाएंगे? सर इस थाल को आपकी तरफ करके दिखाते हैं। ऑल राइट, ये है वो मटन कोरमा जो हमने तैयार करवाया है। ये हो गया जी लाल मांस, ये भी लाल मांस है, इसे रोटी पे बोटी कहते हैं, आप ऐसे भी खा सकते हैं। और ये हो गया आपका जंगली मांस और साथ में आपका चिकन स्टू। अभी तो चिकन कोरमा भी था, मैंने हटवा दिया प्लेट से, ट्राई करें, ज़्यादा लंबा समय नहीं है। चूल्हे की रोटी सबसे पहले खाते हैं, इधर से आ जाओ। मटन कोरमा क्योंकि हमने बनवाया था आपके सामने, तो फ़र्ज़ बनता है कि पहले हम मटन कोरमा ही खाएँ। यहाँ पे ना देखो जयपुर में आके एक बात जो बड़ी खास है, इनके मटन के पीस का साइज़ झटका देते हैं और साइज़ देखो कितना बड़ा है यार, मतलब मजाक नहीं कर रहा। दिल्ली में ना छोटे छोटे मटन के पीस मिलते हैं, यहाँ पे खास बात है कि मटे मटन के पीस। ऑलराइट, 3, 2, 1 सब्सक्राइब, लेट्स गो इन। सीरियसली कह रहा हूँ, मदन जी के हाथों में शफा है, मदन जी का परिवार बड़ा खुश रहता होगा जब घर के हेड जिनका बिजनेस ऐसा हो, जो 45 साल से बना रहे हो खाना, बीवी बच्चों को ऐसा खाना खिलाते होंगे यार, वो भी डेली। भाई समझो जान है खाने में, ये कह रहे स्पाइसी नहीं है, कल का स्पाइसी है, इनके लिए तो स्पाइसी कुछ होता ही नहीं है जयपुर में। आ जाओ स्टू देखते हैं जी, ये सारा प्याज देख रहे हो, सारा खड़े मसालों में है ये पीस के अंदर से देखो, ये कितनी ऑपोजिट चीज़ खा रहा हूँ मैं उसकी। जिसको खाने मिठाई पसंद है, मीठा मीठा पसंद है, ऐसे प्याज की मिठास बहुत है, मज़ा आ गया। किसे कहता है खाना एंजॉय कर रहा, मज़ा आ रहा है। ये देखो जी जंगली मांस, इसको खाएं, ये देखो ये हो गया जंगली मांस। अरे हाथ छोड़ो, ऐसे खाते हैं ये। नाक के पानी आ गया तो फिर आपको परेशान कर देना आज मैंने। चीज़ तो देखो यार, क्या खा लिया ये लो। हालांकि हम लाल मांस खा चुके हैं, बट रोटी पे बोटी इज़ अ वेरी वेरी रनिंग ट्रेंड, मतलब यहाँ पे ना ये रोटी ली ग्रेवी में डिप की, देखो दीदी रोटी A1
You know, this is the kind of food that Jaipur has to offer. क्या क्या खाना, रूह खुश हो जाएगी, दिल खुश हो जाएगा। मैं जितना खाता हूँ खाता हूँ। बाकी बात सुनो, मैजिक माइल जगह का नाम है, ट्रेडिशनल फूड के लिए फेमस है, वैशाली नगर में है। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स होंगी इंक्लूडिंग द नंबर। मुझे फॉलो करना इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। अब आप बोलोगे रिपीट क्यों किया वीडियो, इसलिए किया था। बहुत जल्द मिलूंगा। अंडर टेक केयर, हैव फन।